नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जून गुरुवार दोपहर 12:15 बजे बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बावजूद कोविड-19 से जुड़े कार्यों को पूरा कर रहे बीएलओ में समस्याओं को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। समस्याओं से आक्रोशित बीएलओ ने घर घर राशन सर्वे और राशन वितरण कार्य करने से मना कर दिया है। बीकानेर बीएलओ संगठन ने बैनर तले बीएलओ में नगर निगम में आयुक्त कक्ष के आगे विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बीएलओ ने निगम उपायुक्त अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपकर बीएलओ की समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान बीएलओ ने सुपरवाइजरों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई है। बीकानेर में 4 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नया शहर थाने की कमान पुलिस निरीक्षक भवानी सिंह को सौंप दी गई है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने इसके आदेश जारी कर सिंह को नया शहर थाना अधिकारी लगाया है। इसके साथ महकमे में अटकलों का दौर खत्म हो गया। सिंह ने शाम को थाने का चार्ज संभाल लिया। नया शहर के लिए 5 पुलिस निरीक्षकों के नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार सहमति सिंह के नाम पर ही बनी। अब नया शहर सीआई सिंह को भी नई चुनौतियों का सामना करना होगा। वहीं सीआई बीकानेर रेंज में आने के बाद से पुलिस लाइन में है। बीकानेर में बुधवार को एक ही दिन में 4 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 3 जनों की मौत होगी। अनलॉक होने के बाद बीकानेर जिले में एक ही दिन में एक साथ 4 दुर्घटनाएं इस ओर इंगित करती हैं कि अप्राकृतिक मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। गजनेर के चानी फांटे में NH-11 पर ट्रक ने स्कूटी पर जा रही नर्सिंग कर्मी को मौत के घाट उतार दिया। जसरासर में पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक जने की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। तीसरी दुर्घटना कालू क्षेत्र में हुई है, जहां तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार को घायल कर दिया। ड्यूटी वाली के कैंपर चालक ने बाइक को कुचल दिया। सभी की गति तेज ही थी, जिन्होंने 3 जाने ले ली। बीकानेर आगार से जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर सहित कई मार्ग पर लंबे समय बाद रोडवेज की बसों का संचालन बुधवार से शुरू हो गया। साथ ही वातानुकूलित बस स्केनिया का सफर भी शुरू हुआ। नियमानुसार आधे घंटे पहले ही यात्री बस स्टैंड पर जुटने लगे। हालांकि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए रोडवेज के अधिकारी ने लोगों को बार बार जागरूक किया। रोडवेज बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके सामान को सैनिटाइज किया गया। वहीं चालक परिचालकों को सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने आदि दिए गए। प्रत्येक बस को अंदर से सैनिटाइज किया गया। सीट के आधार पर ही यात्रियों को प्रवेश दिया गया। चूरू के लाडनू में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में ग्राहकों से निर्धारित दरों से ज्यादा मूल्य लेने की शिकायत में खाद्य सुरक्षा टीम नगर के बाजार में छापा मारे, जिसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदार दुकानें बंद कर जाने लगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर राजेश जांगिड़ ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत मिलने पर सत्यता जानने के लिए खाद्य सुरक्षा की टीम सैंपल लेने के लिए आई थी। टीम ने नगर के 2 व्यापारियों की दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। जाँच टीम में प्रेमचंद, सैन्य, चैनाराम आदि मौजूद थे। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक में अवैध डोडा पोस्त ले जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर रतनगढ़ पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान एक ट्रक की तलाशी ली तो उसमें गेहूं की बोरियों के नीचे कट्टों में व बोरियों में रखा 250 किलो डोडा पोस्त चूरा मिला, जिसे बाजार की मुख्य कीमत 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपी पंजाब के मोगा निवासी बलदेव शर्मा व गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर अवैध डोडा पोस्त बरामद कर लिया। वह ट्रक को चूरू की तारानगर के खेमसर गांव में 59 वर्षीय महिला के साथ मारपीट को लेकर भालेरी थाने में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार किरण पत्नी भीवराज नाई निवासी खेमसर ने रिपोर्ट दी कि वह अपने प्लाट में गई थी। उसी दौरान परमेश्वर ढाका, केशराराम ढाका, वीरूराम ढाका, सुभाष ढाका, हेतराम सुभाष, हंसराज, सावंताराम ढाका ने सरिये में एंगल से उसके साथ मारपीट की। जगदीश ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। परमेश्वर ढाका ने बाइक पर जा रहे उसके भांजे नरपाल पुत्र सुभाष नाई के साथ मारपीट की। गांव के लोगों ने बीच बचाव कर छुड़वाया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे दी। जोधपुर के प्रतापनगर थाना अंतर्गत 9वीं चौपासनी रोड पर सरगरा कॉलोनी में एक वृद्ध ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार सरगरा कॉलोनी निवासी 72 वर्षीय नारायण सरगरा ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह मानसिक तनाव में था। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। जोधपुर के नरसिंह विहार में एक बालक के लिए उसका जन्मदिन उस समय यादगार बन गया जब मंडोर थाना पुलिस उसके घर पहुंची और तालियां बजाकर उपहार व फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी।
लाल सागर के समीप नरसिंह विहार निवासी कुलदीप सिंह देवड़ा अमेरिका में ट्रैवल व्यवसायी है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही परिवार सहित नरसिंह विहार में आ गए थे। उनके पुत्र गौरव का जन्मदिन था, अनलॉक के बावजूद बाहर जन्मदिन मनाने को लेकर असमंजस में थे। इस संबंध में पता लगने पर थाना अधिकारी दिलीप खदाव ने थाने के अन्य पुलिसकर्मी कुलदीप सिंह के घर पहुंचे और उपहार भेंट कर जन्म दिवस की बधाइयां दी। जोधपुर में राशन की दुकानों पर गरीबों के लिए आ रही चने की दाल के खराब होने की आशंका है। इस महीने की चना दाल प्लास्टिक के कट्टों में आ रही है, जिसमें नमी अधिक होने से कट्टे में ही चने की दाल के लड्डू बन गए हैं। कट्टे सीलन से भरे हुए हैं। दाल में नमी की अधिकतम स्वीकृत मात्रा 14% है, जबकि इसमें 20% नमी मिल रही है। राशन डीलर ने भी दाल के सूखने पर इसमें कमी और इसकी भरपाई को लेकर विरोध जताया है। ऐसे में राशन डीलर सभी उपभोक्ताओं को दाल नहीं दे पा रहे हैं और उपभोक्ताओं के विरोध का सामना अलग से करना पड़ रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.